इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। बॉलीवुड फिल्म दबंग में जैसे पांडे जी थाने में बैठकर सीटी बजा रहे थे, उसी तरह रीवा में एक पांडे जी पेड़ कटवा रहे थे। फर्क इतना था कि वो पांडे जी काल्पनिक थी और ये पांडे जी प्रत्यक्ष हैं। रीवा में सामने आए नए पांडे जी सरकार व सरकारी आदेशों को दिखाए ठेंगा। शिवराज के कर्मचारी ही शिवराज की लुटिया डुबाने में लिप्त हैं। आओ मिलकर पेड़ लगाएं के संदेश को धता बताती तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नव वर्ष के पूर्व ही अपराहन बेला में रीवा में एक बड़ा कांड देखने को मिला, जहां कृषि यांत्रिकी अधीक्षक कार्यालय में लगे हुए हरे पेड़ काटे जा रहे थे। हमारी टीम ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल मौका ए वारदात में पहुंची व जानकारी लेनी चाही तो रीवा में भी दबंग पांडे जी सामने आए और उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधीक्षक टीपी गुरदवान जी के आदेश से पेड़ काटे गए हैं। जब हमारी टीम कार्यालय के अंदर पहुंची तो पूरा कार्यालय खाली मिला। आगे पांडे जी ने जानकारी दी कि हर शनिवार को कार्यालय बंद रहता है, हर शनिवार अवकाश रहता है, इसलिए साहब लोग शनिवार को नहीं आते हैं। जब हमने टीपी गुरुद्वार जी के नंबर पे संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि उनके भाई की मृत्यु हुई है और वो छुट्टी पर है। पेड़ किसने काटा, किसकी अनुमति से काटा, जानकारी नहीं है। फिर हमने पांडे जी से अधीक्षक से बात करवाई तो अधीक्षक ने पांडे जी को आड़े हाथ लिया, लेकिन पांडे जी ने अधीक्षक को भी समझाइश दे डाली। वह पूरे पेड़ काटकर लकड़ी को एक बिना नंबर के ट्रैक्टर पे लाद कर ले गए। अपुष्ट सूत्रों की माने तो पांडे जी लकड़ियां अपने घर ले गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि प्रशासन की नाक के नीचे इतना बड़ा कांड होता रहा, किसी प्रशासनिक अधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया। प्रदेश सरकार लगवा रही पेड़ तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी सरकार को दिखा रहे ठेंगा। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान प्रदेश को हरा भरा रखने का बीड़ा उठाए हैं। वह हर जगह शासकीय खर्च पेड़ लगवाने का कार्य करवा रहे हैं। दीवारों पे संदेश लिखे जाते हैं, आओ मिलकर पेड़ लगाएं। अब सरकार ही बताए कि पेड़ तो लगाएं, पर क्या सरकारी कर्मचारियों के लिए लगाए जाएं जिन्हें अब उनकी इच्छा को काट के घर ले जाएं। कर्मचारी का नाम श्याम चरण पांडे उर्फ सीसी है। इंडियन टीवी न्यूज से राजीव तिवारी की रिपोर्ट। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।